एवरीवन, खम्बागणी राम राम। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो हैं दो टाइप्स की रीअरेंजमेंट्स देखने वाले हैं, फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट और फ्राइज रीअरेंजमेंट। दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों ही रिएक्शंस में रिएक्टेंट सिमिलर होगा, प्रोडक्ट भी सिमिलर होगा, लेकिन रिएक्शन की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट है और ये क्या हमारा फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट है। फोटो का मतलब है कि यहाँ पर हमने कोई फोटो केमिकल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, सब्सट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है और कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। राइट, क्या है फ्राइज रीअरेंजमेंट? इस रिएक्शन में जो हमारे फ्राइज रीअरेंजमेंट है, इसमें हमारे पास फिनाइल ईस्टर होगा। क्या होगा? फिनाइल ईस्टर, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग होगी, और साथ में क्या, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर। यहाँ पे आपका आर कुछ भी हो सकता है, मे बी एलिफेटिक और मे बी एरोमेटिक। और ये क्या हमारा फिनाइल ईस्टर, फिनाइल ईस्टर। ठीक है, और रिएक्शन जो है उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। बेसिकली आपका जनरली AlCl3 ही यूज में लिया जाता है, AlCl3। यहाँ पे हो सकता है आपका ZnCl3 भी हो, ZnCl4 भी, नॉट ZnCl3, ZnCl4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, ये लुईस एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले सकता है, इसी वजह से क्या हमारा AlCl3 एक लुईस एसिड होता है। तो जनरली हम लुईस एसिड के फॉर्म में AlCl3 को ही यूज करते हैं। और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिक्सर बनता है। क्या बनता है? मिक्सर, जिसमें क्या होगा, ये OH, ये क्या हमारा फिनोल हो गया। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर, प्लस इसी की जो पैरा पोजीशन है, प्लस इसी की जो पैरा पोजीशन है OH, साथ में है ये हमारा आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या हो गया हमारा एसाइल फिनोल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑर्थो आइसोमर, और ये क्या हो गया हमारा पैरा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर, और ये क्या हो गया हमारा पैरा आइसोमर्स। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ये क्या हमारा रूम टेम्परेचर पे हमें दो मिक्सर्स बनते हैं, हमारे में क्या मिलते हैं, दो मिक्सर्स मिलते हैं, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर्स। अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो कर दिया जाए, है ना, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, आपका प्रोडक्ट पैरा आइसोमर बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा एट लो टेम्परेचर, यानी कि बिलो दैट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 5, 6, इस तरह से आपको जो टेम्परेचर लो अगर आपको मेंशन कर दे रिएक्शन में, तो क्या होगा, वहां पर अपने को मेजर प्रोडक्ट पैरा आइसोमर ही बनाना होता है। और अगर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा, ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, ऑर्थो आइसोमर मेजर, और यहाँ पे क्या हमारा पैरा आइसोमर इज मेजर। समझ में आया? इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना लिख लीजिए कि लो टेम्परेचर पे पैरा आइसोमर को क्यों जो है मेजर माना जाता है, और हाई टेम्परेचर पे क्यों ऑर्थो आइसोमर मेजर बनता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो यहाँ पर सब्सट्रेट क्या हो गया हमारा, फिनाइल एस्टर हो गया, कंडीशन क्या हो गई, लुईस एसिड, और हमारा प्रोडक्ट कौन बनेगा, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर्स ऑफ एसाइल फिनोल। ठीक है, चलेंगे अब इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, एक और चीज कि जो रिएक्शन है दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होगी, और इंट्रा का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब कैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है, दोनों ही मैकेनिज्म एकदम सिमिलर सी है, कोई ज़्यादा डिफरेंट
डिफरेंस नहीं है, आसान सा है, बस उसमें जो इंट्रा वाला पोर्शन है उसमें कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे इंटर मोलिकुलर, सबसे पहला हमारा इंटर मोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्राइस रिएजेंट। ठीक है, देखिए सबस्ट्रेट लिखेंगे सबसे पहले, ये क्या हमारा सबस्ट्रेट होगा, ऑक्सीजन सी डबल बोन ऑक्सीजन एंड साथ में है, आप यहाँ पे आर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बोले। और रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, AlCl3 एल्यूमिनियम के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वैलेंट ऑर्बिटल है, क्या कर सकता है देखिए इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए कितना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मुझे ये बताइए कि जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा क्या उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर जिसका एस जो है एस करेक्टर कम होगा उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा। ऑब्वियसली हमने जीओसी में भी पढ़ा था कि जिसका एस करेक्टर कम होता है यानी कि sp3 में क्या एस करेक्टर कम, इसके वजह से क्या होगा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे पहले क्या होंगे इसके डोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, इसमें क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में क्या है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, और क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो यहाँ पे क्या है AlCl2 और यहाँ पे है Cl, AlCl3 बेसिकली, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है AlCl Cl एंड Cl, इस पर क्या आएगा नेगेटिव और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक का कंप्लीट है। देखिए अब क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, इस प्रकार से क्या निकल गया मेरे पास -C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R+, ये बाहर निकल गया। और क्या मिला हमें यहाँ पे देखिए, आसान सा है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए क्या बना यहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और साथ में क्या है एल्यूमिनियम Cl और Cl साथ में नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक का समझ में आया। अभी देखिए इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में क्या निकला मेरे पास यहाँ से, ये वाला निकला था C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट बन गया। देखिए ये क्या हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम इसको इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सेम ही अपने को मिलने वाला वापिस से। अगर हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाए तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा यहाँ पे जा सकता है कंजुगेशन में और तो पोजिशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा हम और तो प्रोडक्ट बनाते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी और आर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये वाला पोर्शन अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है ओके, इसको बनाते हैं पहले। अभी देखिए यहाँ पे क्या आया नेगेटिव चार्ज साथ में है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन AlCl3- और साथ में क्या बना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Cl2Cl ले लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है AlCl3 नेक्स्ट चैप में कर लेंगे। देखिए होता क्या है हमने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे हमारे पास क्या निकला था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी प्लस और आर, यहाँ से निकला था ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज साथ में AlCl2 एंड Cl, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, अभी हमारा सिस्टम क्या एरोमेटिक नहीं है, हर सिस्टम चाहता है क्योंकि देखिए सिस्टम पहले क्या था एरोमेटिक सिस्टम था, अभी इसकी एरोमेटिसिटी क्या हुई ब्रेक कर गई, सिस्टम चाहता है कि फिर से ये सिस्टम क्या हो जाए एरोमेटिक हो जाए। और एरोमेटिक सिस्टम बनाने के लिए क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा सही है और यहाँ से सी एल माइनस क्या होगा बाहर निकलेगा क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या नेगेटिव चार्ज है तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गया न्यूट्रल हो गया और ये हाइड्रोजन एच प्लस और सी एल माइनस क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखिए क्या होगा
फ्यूजन सिस्टम क्या हो गया हमारा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एरोमेटिक बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन एल्यूमिनियम एंड Cl2 AlCl2, इसके पास क्या है लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से मेरे पास क्या निकला था Al माइनस HCl, इससे वापस से क्या मिलेगा आपको Al प्लस मिलेगा, यहाँ से Cl माइनस, ये फिर से अटैक करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट क्या होगा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला था इसके साथ कंबाइन करेगा, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए H प्लस है ये किस में H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में प्लस Cl माइनस के फॉर्म में, इसके पास क्या है लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है इसके पास क्या है लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डोनेट करेगा H प्लस को, क्या होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एल्यूमिनियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन अटैक करेगा AlCl2 पे, जिससे क्या होगा फिर से वो AlCl3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से माइनस AlCl3 और साथ में क्या बना मेरे पास कुछ ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R और यहाँ पे क्या हमारा OH, ये क्या होगा हमारा ऑर्थो आइसोमर बन गया एसाइल फिनोल का, ठीक है तो ये तो हो गया हमारा ऑर्थो आइसोमर। अब इसका पेरा कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड फिर से यहाँ डीलोकलाइज होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बनाइए फिर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, रेजोनेंस आप दिखा सकते हैं, AlCl3 माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, साथ में क्या होना है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब फर्दर आप अटैक करवा दीजिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी पॉजिटिव चार्ज फॉर आर, और क्या होगा ये वाला पोर्शन अटैक करेगा यहाँ पर, क्या होना है यहाँ से मेरे पास कुछ ऐसा जिसमें आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन AlCl3 यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा AlCl2Cl, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, फिर से क्या होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनाया यहाँ से देखिए, और यहाँ से Cl माइनस बाहर हाइड्रोजन और माइनस HCl क्या हो गया बाहर निकल गया, ये किसमें H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, फाइनल करवा दीजिए सिस्टम क्या हो गया हमारा एरोमेटिक हो गया, अब देखिए हमारा सिस्टम क्या एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, यहाँ पे है ऑक्सीजन AlCl2 दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अटैक करेंगे इस H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये यहाँ से इस बॉन्ड ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा ब्रेक करेगा, ठीक है जैसे ही ब्रेक करेगा AlCl3 फिर से बाहर निकल गया माइनस AlCl3 और साथ में क्या बन गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थो आइसोमर OH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर देता है, अब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं हो रही है, अगर इसने यहाँ पे हीटिंग या फिर टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर आपसे समझ लीजिए कि वो आपसे जो है ऑर्थो आइसोमर ही बनाने को कह रहा है, वहां फिर आपको पैरा में जो है बनाना है आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा बताना है, ऑर्थो आइसोमर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहाँ उसने लो टेम्परेचर कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया तो फिर क्या होगा आपका पैरा वाला बन जाएगा, और यहाँ पे अगर उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा यानी कि एट रूम टेम्परेचर, तो फिर दोनों ही क्या होगा दोनों का ही क्या आपको मिलेगा मिक्सर मिलने वाला है, समझ में आ गया इतना सा, इतना सा नोट कीजिए। तो ये तो थी हमारी इंटर मोलिकुलर मैकेनिज्म जिसमें दो अलग अलग मोलिकुल्स के बीच में क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है, एक मार मोलिक्यूल ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, समझ गए। चलिए तो अब हम देखते हैं इसका जो इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कैसा होता है, नोट हो गया, चलिए काफी आसान है। देखिए जो इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होगी जिसमें इसका आपके जो है प्राइज रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, उसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में प्रोसीड कर जाते हैं, जैसे कि आपका इसमें भी प्रोडक्ट आपका सेम ही होने वाला है, मतलब जो है आपका रिएक्टेंट क्या होगा सेम होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा कौन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सॉरी ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर, बोले किसकी प्रेजेंस में AlCl3 AlCl3। देखिए सबसे पहले क्या होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इसके ऊपर, सेम स्टेप है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आपके ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर साथ में क्या है AlCl3 माइनस एंड प्लस। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर,
क्योंकि ये क्या हमारी सॉरी इंट्रा इंट्रा इस बार क्या हो गया हमारा इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस स्टेप में क्या होने वाला देखिए ध्यान से देखना कि इसमें भी देखिए क्योंकि ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है ना, ये क्या होती है हमारी कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है, तो वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होगा ये क्योंकि कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है तो ये भी सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि क्या होगा देखिए जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड, और उसी प्लेस पे क्या हो जाएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अटेंड कर जाएगा। ये सिर्फ एक ही स्टेप में हो रही है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है ये पूरा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है। तो क्या हुआ देखिए फिर से हमारे पास क्या बन गया कुछ ऐसा जिसमें क्या बना आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या बना हमारे पास ऑक्सीजन एंड एयर सी एल थ्री माइनस। अब क्या हो गया ये हाइड्रोजन यहाँ पे वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव समझ में आ रही, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और फिर फर्दर आगे प्रोसेस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। और इस प्रकार से क्या मिल जाएगा यहाँ पर माइनस ए एल सी एल थ्री वापस से बाहर निकल गया, और फिर से हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच सही। इसी प्रकार से अगर पैरा पोजिशन वाला बनाए तो क्या होगा उसमें देखिए इसको रिमूव करते हैं, अगर पैरा पोजिशन वाला हो तो क्या होगा देखिए सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन इसमें कोई पॉजिटिव या फिर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है, जैसे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होता है। क्या होगा ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आएगा ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा ये यहाँ पर अटैक कर देगा ठीक है। इसको ऐसे नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है डायरेक्ट अटैक करेगा इस वाला पोजिशन पे, तो क्या बनेगा आपके पास फर्दर आपके पास बना है यहाँ पे डबल बॉन्ड, साथ में क्या है इस वाले पोर्शन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या अभी भी आपके पास हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एयर सी एल थ्री माइनस, और यहाँ पे है पॉजिटिव। क्या होगा देखिए हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में निकला था उस पर अटैक कर जाएंगे। क्या बनेगा फिर आपके पास कुछ ऐसा आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका सिस्टम क्या हो गया एरोमेटिक और साथ में है, तो ये क्या है आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है एक स्टेप पे प्रोसीड कर जाती है, ये होती है हमारी इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आ रही तो एक ही मोलिकुलर में क्या हुई ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि इंटर मोलिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा था इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था। समझ में आ रही चलिए अभी देखिए जो हमने आपसे कहा था कि एट लो टेम्परेचर आपका पैरा पोजिशन वाला क्या होगा मेजर बनेगा, और एट हाई टेम्परेचर आपका ऑर्थो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसका कारण क्या था उसको समझते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों की स्ट्रक्चर फिर से बनानी पड़ेगी, देखिए ये आपकी क्या फिनाइल है साथ में क्या है OH, और साथ में ये हमारा है ऑर्थो पोजिशन वाला सी, इसको यहाँ पे ले लीजिए हाइड्रोजन ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पे क्या है हमारा आर ग्रुप है या फिर कोई भी सी एस ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे एल्कल ग्रुप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है। एक हमारा ये था प्रोडक्ट ऑर्थो वाला, और एक प्रोडक्ट था हमारा जिसमें पैरा पोजिशन पे क्या था हमारा सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर था, और यहाँ पे क्या हमारा OH ग्रुप है सही है इतना सा, ये क्या हमारा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए अगर हमने टेम्परेचर हाई रखा तो मोलिकुल्स क्या रहेंगे जो प्रोडक्ट में दूर दूर रहेंगे, क्योंकि उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी मोलिकुल्स की ज्यादा है, तो क्या होगा ये मोलिकुल्स क्या रहेंगे दूर, इसका जो सेम मोलिकुल होगा वो क्या रहेगा इससे दूर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सिक्स मेंबर रिंग हो, और साथ में दो किसी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो उनके बीच में अगर हाइड्रोजन आता है तो वहां पर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। इसी वजह से क्या होता है एट हाई टेम्परेचर क्या होता है आपका ऑर्थो पोजिशन वाला जो आइसोमर है ऑर्थो आइसोमर वो क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और एट लो टेम्परेचर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। अब जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये था हमारा, और एक मॉलिक्यूल आप मान लीजिए आपका ये था OH, साथ में क्या है आपके C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, या फिर R ग्रुप है। सेम ही मॉलिक्यूल आप, बस हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया है ना, हमने क्या कर दिया इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकते हैं, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, लो टेम्परेचर रख रखा है रिएक्शन का। तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, जिससे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपके, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट लो टेम्परेचर। समझ में आ गए, चलिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फोटो फ्राइज रिएजेंट है वो क्या होता है, वो भी काफी आसान रिएक्शन है। देखिए हमारा फोटो फ्राइज रिएजेंट सेकेंड है हमारा फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट, देखिए इसमें भी क्या होगा, हमारा सेम सब्सट्रेट होगा, सब्सट्रेट कोई चेंजेस नहीं होगा, सी डबल ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा था यहाँ पे, पहले फ्राइज रीअरेंजमेंट में लुईस एसिड यूज कर रखा था, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ, फोटो फ्राइज रिएक्शन, यानी कि क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशंस यहाँ पे जो है देनी पड़ेगी, यानी कि हमने क्या कहा इसको, HNO की कंडीशंस इस बार फॉरवर्ड करवाई, ठीक है। तो अब जैसे ही HNO कंडीशंस आती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेंगे, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड्स का होमोलिटिक फ्यूजन होगा, क्या होगा, बॉन्ड्स का होमोलिटिक फ्यूजन होगा, क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और यहाँ बॉन्डिंग ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं होगी, क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है जो है एरोमेटाइजेशन है, सॉरी नॉट एरोमेटाइजेशन, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्या होगा ये वहां पे क्या होगा, रेडिकल इस पे भी जनरेट होगा, और इस पे भी क्या होगा, रेडिकल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे माइनस सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, रेडिकल बॉन्ड निकल गया, और साथ में आपके पास क्या बना कुछ ऐसा, देखिए ऑक्सीजन पे है क्या है रेडिकल, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है, ये वाला रेडिकल यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्या होगा, ऑर्थो पोजीशंस पे रेडिकल पहुंच गया, यहाँ पे आया रेडिकल और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस साथ में इसका भी क्या होगा, क्या हम इसको ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से करवा सकते हैं, तो ऑर्थो पोजीशंस पे भी क्या आ जाएगा आपका, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर इसका फिर से अपन देखें तो ये वाला बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करवाइए, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, क्या बना यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या बना यहाँ पे बॉन्ड्स आ गए और यहाँ पे क्या आ गया रेडिकल, तो ऑर्थो पोजीशंस भी रेडिकल आ गए और पैरा पोजीशंस पे भी रेडिकल आ गए। तो देखिए जब ऑर्थो पोजीशन पे रेडिकल आया, क्या हमारे पास यहाँ से रेडिकल निकला था माइनस, यहाँ पे क्या रेडिकल सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आर, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, राइट, ये वाला और ये वाला क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो और तो आइसोमर बन गया हमारे पास, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये क्या सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, राइट, ये क्या हमारा आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या होगा देखिए यहाँ से हाइड्रोजन है, सॉरी नोट, यहाँ से क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकला था जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। क्या बना यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, क्या बना हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर और यहाँ पे क्या हमारे पास ऑक्सीजन और, तो ये बन गया हमारा ऑर्थो आइसोमर, किससे, फोटोकेमिकल कंडीशंस अवॉइड करवाने से, रेडिकल्स का जनरेशन हुआ और ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ।
इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहां से क्या निकला था मेरे पास, सेम सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर रेडिकल, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला रेडिकल यहाँ, दोनों के बीच में क्या होगा बॉन्ड बनेगा, क्या बना यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है निकालो बाहर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बाहर निकला था H+ के फॉर्म में, आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास असाइल फिनॉल, कौन सा पैरा पोजिशन वाला, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर इन OH, तो ये क्या हो गया हमारा पैरा असाइल फिनॉल, और ये क्या हो गया हमारा ऑर्थो असाइल फिनॉल। तो ये है हमारी फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें भी क्या बना ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बने, मिक्सर बनता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों में ही फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट में और फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपका सब्सट्रेट सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, सिर्फ रिएक्शन की कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फ्राइज रीअरेंजमेंट में लुईस एसिड्स यूज करेंगे और फोटोफ्राइज में हम फोटोकेमिकल कंडीशंस को यूज करेंगे। और अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल है जो आपको खुद ही सॉल्व करना है। देखिए सपोज हमने लिया है कुछ ऐसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सी एच थ्री, साथ में कुछ ऐसा हमने यूज किया है और यहाँ पे हमने यूज किया AlCl3 एट, यहाँ पे हमने यूज किया है टेम्परेचर हीटिंग यूज करते, हीटिंग यूज करते मतलब ऑर्थो आइसोमर ही बनने वाला है। तो यहाँ पे बनाइए डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी एच थ्री क्या बनेगा, सॉरी ये क्या हमारा OH और साथ में क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी एच थ्री, ये क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। चाहे आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर C2H5 लगा दिया, C2H5 ठीक है, अब रिएक्शन में क्या होगा कि कौन सी प्लेस पे मेरे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर कनेक्ट होने वाला है, इस वाले पे या फिर इस वाले, प्रोडक्ट बताइए। देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास C2H5 है, C2H5 क्योंकि ये क्या है बल्की ग्रुप है, अपने को क्या चाहिए ऑर्थो पोजिशन चाहिए, ये भी हमारी ऑर्थो पोजिशन है और ये भी ऑर्थो पोजिशन है। अगर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी एस थ्री यहाँ पे आके कनेक्ट होता थी, क्योंकि बल्कि है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो जहां पर बल्किनेस कम हो हिंड्रेंस कम हो अपने को वहीं पे ग्रुप को जोड़ना है, तो क्या होगा इस बार मेरे पास प्रोडक्ट हमारा ये बना हो जाएगा, समझ आ गए। इस प्रकार से भी पेपर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट और फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ जय किसान जय भारत वंदे मातरम।